देखिए भाइयों, अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया तो आज आपने बहुत सही वीडियो पर आकर क्लिक कर दिया भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा आप यहां से जो किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छी खासी अर्निंग घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और यहां मिनिमम अर्निंग पर डाटा इज़ $1 × 100 डाटा, तो एक दिन का जो अर्निंग आपको बनता है इस तरीके से जो पूरा $10 बनता है। यदि यू विल 7 जॉब्स तो $10 तो इसका जो कितना होता है $70, जो कि आपके पूरा लगभग पहुँच जाता है इंडियन करेंसी में 5000 रुपीज़ के लगभग। तो ये अर्निंग आपको किस तरीके से करनी है तो ये मैं आपको लाइव यहाँ पर अर्निंग करके बताऊँगा। यहाँ पर जो विड्रॉ वगैरह सब कुछ लाइव करके दिखाऊँगा, जिससे कि आपको इस वेबसाइट में वर्क करने में विड्रॉ लगाने में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको प्रोसेस करनी है वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है। तो रजिस्ट्रेशन इस पर किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर ई मेल डालना है, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड फिल कोड ये वाला कोड है ना, तो चलिए डाल लेते हैं यहाँ पर सारा कुछ है ना, तो सारा कुछ डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये ईमेल डाल लिया हूँ, पासवर्ड तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ तो ये भर लेता हूँ। पहले 40BK, भाई चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए है ना। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाके सबसे पहले वर्क भी कर लोगे। तो ये फिल कर लिया हूँ, इस तरीके से आप भी जो पूरा फॉर्म को जो है फिल कर लेना भाई। वो फिल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर जो आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूँ, ये रहा सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक बता रहा है, क्या मिस्टेक है देखते हैं। 40BK8D है ना, तो इस तरीके से ये सारा कुछ सही फिल हो गया है ना। तो एक बार और चेक करते हैं, सबमिट पर अब क्लिक किया मैंने तो हाँ आप सही है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे फिर आपका जो इस तरीके का इंटरफेस जो कुछ ओपन होके आ जाएगा। अब भाई यहाँ पर आप जो कुछ ऐड दिख रहे हैं आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भाई जो यहाँ पर कोई सी भी वेबसाइट हो A to Z आज मैं आपको बता देता हूँ, तो वहाँ आपको जो अर्निंग होती है वहाँ से तो वो ऐड के ही थ्रू होती है। जितने उस वेबसाइट पर ऐड आते हैं आपको वर्क करवाते हैं, जैसे कोई भी कॉपी पेस्ट का वर्क हो, फॉर्म फिलिंग का वर्क हो, मतलब जो कोई भी वर्क हो अर्निंग होना है ऐड से होना है। तो चलिए आपका पासवर्ड आपको सेव कर लेना है, जिससे कि आपको कभी दोबारा पासवर्ड ना डालना पड़े, और इसको आपको कट कर देना है। यहाँ से ये कट करने का ऑप्शन आ गया है ना। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जो योर अर्निंग अभी 0 है, योर जॉइनिंग डेट इज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जॉइनिंग आपने कब की है। और फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलिंग करके जॉब करना है, कॉपी पेस्ट करके करना है, तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ आज यहाँ पर, फॉर्म फिलिंग और कॉपी पेस्ट दोनों। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ओपन करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्म फिलिंग, तो फॉर्म फिलिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिलिंग की जॉब आपको किस तरीके से करना है। तो मैंने क्लिक किया फॉर्म फिलिंग पर भाई है ना, तो जीमेल का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है भाई। वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है भाई क्योंकि पे आउट नहीं लग सकता है, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं करोगे तब तक आपको कोई पे आउट यहाँ से नहीं ले सकती, मतलब विड्रॉ नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर अब आपको दिख गया होगा फॉर्म किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, और किस तरीके से अब ये आपका फॉर्म मिला है, अब इसको किस तरीके से फिल करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो फिल करने का तरीका है वो फिल कहाँ से करना है, तो आपको यहाँ पर टेक डाटा फ्रॉम हियर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी जो सारी आपको डिटेल मिलेगी, ये ईमेल मिल गया आपको, ये ईमेल यहाँ से आपको कॉपी करना है, उस जगह पे भरना है, ये नाम ही आपको यहाँ से कॉपी करना है, उधर भरना है ना, ये सारा कुछ आपको बस यहाँ से कॉपी कर करके वहाँ पर पेस्ट करना है, मतलब फॉर्म भी फिल हो जाएगा आपको, कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा, दोनों वर्क होंगे, बहुत बढ़िया तरीका। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें आप क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं है ना, अगर आप कंप्यूटर में करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसको फिर चलिए बैक में चलते हैं और यहाँ पर कहाँ पर ईमेल पर फिल कर देते हैं। तो चलिए ईमेल फिल कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ईमेल पर क्लिक किया, ये ईमेल पर और ये सिलेक्ट कर दिया,
फिर यहाँ से इसको हटा दिया इस, है ना। तो ये फिर इसके बाद उसका फर्स्ट नेम क्या था, शायद मनीष था, मैंने पढ़ लिया है ना, तो मनीष लिख देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद इसका जो मेजर नेम क्या था वो चलिए फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए देख, आप भाई अगर मोबाइल में करते हो तो आप एक बार में जो है नाम वगैरह पढ़ लेना, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है। या तो आप एक काम करना, मैं आपको बताता हूँ, आप एक कॉपी और पेन ले लेना, सारी डिटेल उसमें लिख लेना और जल्दी जल्दी से फिल कर लेना, है ना। मनीष कुमार और नीचे क्या है, जैन, है ना। तो ये मनीष कुमार जैन है, इसके बाद ये नंबर कॉपी कर लेते हैं ना, इसको ये कॉपी कर लिया है ना। तो चलिए अब वापस चलते हैं, इतनी चीज़ फिल कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए मनीष यहाँ पर आ जाएगा, इसका कुमार इधर आएगा, जैन, पूरा ध्यान से देख लेना भाई किस तरीके। और यहाँ पर इसका फ़ोन नंबर है ना, फिर यहाँ पर स्ट्रीट वगैरह, सिटी वगैरह है ना। तो वो सारा भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। फिर आपको डाटा पर क्लिक करना है, आपको मैंने जिस तरीके से बताया आप उसी तरीके से यहाँ पर जो करना है, एक कॉपी पेन से देखो ये लिखा है, जो कुछ भी हो इनका स्ट्रीट वो आपको पूरा कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कर लिया, चलिए इसको भी कॉपी कर लिया। पीछे बैक करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं स्ट्रीट में, और यहाँ पर क्लिक किया मैंने, और ऐसे यहाँ पर क्लिक किया तो मुझको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाते हैं पेस्ट करने का, पेस्ट कर दिया इंडिया। यहाँ पर ऑक्यूपेशन में प्राइवेट जॉब भर देना है आपको यहाँ पर, है ना। इसके बाद यहाँ पर सिंगल कर देना, क्योंकि उनका सिंगल था जो कि मैंने देख लिया हूँ, और जेंडर तो मेल ही है ना, नाम से ही पता पड़ जाता है वो मेल है, है ना। तो उसके बाद अब यहाँ से उनकी जो डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है, डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा था पर ध्यान नहीं है, फिर से देख लेते हैं। पूरा आपको कॉपी कर लेना है भाई, वो गलत हो जाता है तो दिक्कत आ जाती, तो एक बार यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 18 मार्च 1900, कॉपी कर लेता हूँ। नीचे जो नेशनलिटी इंडिया है, चिल्ड्रंस नो है, तो आपको इस तरीके से पढ़ लेना है सारा कुछ। चलिए तो यहाँ पर भर देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैसे यहाँ पर पेस्ट होगा, यार क्या था, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं ना, 18 मार्च है ना, तो यहाँ पर 18 कर दीजिए, मार्च, और 1986, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ हो गया है यहाँ। इसके बाद यहाँ पर जो उनकी सिटी थी वो शायद क्या थी, कानपुर थी क्या, अभी देख लेता हूँ, है ना। चिल्ड्रंस नेशनलिटी इंडिया, चिल्ड्रंस नहीं है तो नो रहने दीजिए, है ना। तो चलिए एक बार उनका वो देख लेते हैं, सिटी देख लेते हैं, सिटी कौन सा है, सिटी मैंने देख नहीं पाया था, शायद कुछ नाम था सहारनपुर, सहारनपुर यहाँ पर आपको सहारनपुर भर देना है, तो है ना। इस तरीके से जो आपको फॉर्म में ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट लगेंगे पर फॉर्म, है ना, तो कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पर जो आपको अर्निंग होगी वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितना अर्निंग होगा पर फॉर्म से, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से पूरा फिल हो चुका है भाइयों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इसको क्या करना है, सबमिट करना है, है ना। तो सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करते हो पूरा डिटेल फिल करने के बाद, तो ये आपका जो है सबमिट होता है। तो इस तरीके से लोडिंग लेगा भाई। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए भाइयों, क्योंकि घर बैठे मोबाइल से वर्क, मोबाइल से पूरा वर्क हो रहा है भाई। जितना हो सके उतने भाइयों के पास इसको पहुँचाइए, क्योंकि भाई यहाँ से जितने भी भाई अर्निंग करेंगे भाई, उनका कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना भाई, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कहीं कुछ जॉब भी नहीं मिल रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितना अर्निंग हुआ है, 0.5, मतलब पर आपको पर फॉर्म यहाँ से $0.5 जो मिल रहा है, डॉलर, जो कि आपका 35 रुपीज़ होता है। और डेली के डेली यहाँ से आप कितना फॉर्म फिल करते हो, डेली के डेली मान लीजिए 2 से 3 मिनट लगता है एक फॉर्म फिल करने में। अगर डेली का डेली आप यहाँ से मिनिमम बता रहा हूँ 20 भी फॉर्म फिल करते हो ना भाई, तो आपकी अर्निंग जो है मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितना होता है डेली के डेली। 20 फॉर्म्स इंटू 0.5
$10 की अर्निंग होती है, जो कि पूरा 750 रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी में। और वो 750 रुपीज़ 20 फॉर्म के आप जो टाइम लगेगा वो लगभग 30 मिनट्स टाइम लगेगा 20 फॉर्म फिल करने में। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर एक बार में आप जो एक बार फॉर्म फिल कर लेते हो तो फिर आपको जो प्रैक्टिस हो जाती है वो आप जल्दी जल्दी भी यहाँ पर फिल कर सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आप डेली यहाँ से 40 फिल करते हो, 40 डेली की डेली। यहाँ पर आपकी जो अर्निंग होती है $20 होती है, जो इंडियन करेंसी में अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। कितना हो जाता है 750 रुपीज़। अब देखिए भाई, जो आपने एक फॉर्म फिल कर लिया, अब यहाँ पर आपको जो सेकंड फॉर्म मिल चुका है, है ना भाई, आपको सेकंड फॉर्म भी फिल करना है इसी तरीके से, और इसी तरीके से आपको जो अर्निंग होगी सेकंड फॉर्म से भी होगी। तो फॉर्म आपको बस फिल करना है और आपको अर्निंग यहाँ पर लाइफ टाइम होती रहेगी। भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन ज़रूर कर लेना, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर बात की जाए ऐड पोस्टिंग और कॉपी पेस्ट की, यहाँ पर कॉपी पेस्ट की अगर बात की जाए तो मैं कॉपी पेस्ट पर मैंने क्लिक किया इस तरीके से, थोड़ा लोड लेगी वेबसाइट भाई। इसीलिए बोलता हूँ अगर आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत वेबसाइट पर जाकर वर्क शुरू कर देना है, क्योंकि उसके बाद जो बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है वेबसाइट पे, ये तो आप भी जानते हो। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको टीके डाटा हेयर करना है, है ना, और यहाँ से ये टाइटल आपको दिया है ये कॉपी कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको कॉपी बन जाता कॉपी पे क्लिक किया, इस तरीके से पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया मैंने इस तरीके, एक सेकेंड ये कॉपी कर लिया, अरे सॉरी कॉपी हो गया, बैग जाना है। अब यहाँ पर जो आपका कहाँ पे गया, अब लगभग जो यहाँ पर भरना है ऊपर, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर टाइटल लिखा है, तो यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, है ना। इसको पेस्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन हेयर आ गया, तो फिर से आपको यहाँ पर जाना है इस तरीके से, तो इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने, आप देख लीजिए। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपी पेस्ट का भी वर्क, क्योंकि आपको किस तरीके से करना है, आपको इससे भी जो आपको अर्निंग करनी है, तो ये आपको पूरा मीटर्स आ गया, इसको भी आपको कॉपी करना है। कॉपी करने में कितना टाइम लगता है कुछ आपको कुछ मतलब नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं कुछ मतलब नहीं, आपको वर्क करना है उनका, तो आप यहाँ से पूरा वर्क कर दीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो वर्क यहाँ पर देती हैं उनका वर्क यहाँ पर इनको कंप्लीट करके देना पड़ता है, है ना, ये वेबसाइटों को। तो वो उसका जो है 90% आपको दे देती हैं, आप जो वर्क करता है वो थोड़ा सा वो खुद रख लेती हैं। तो ये इसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेकेंड का, बैक का, तो बैक करना है एक बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटर्स वाले पर यहाँ पर तो क्लिक कर दिया है, उसके बाद ये इसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है ये, तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद, है ना, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलता है ऑप्शन और भी देख लीजिए, और कुछ दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये भी पेस्ट हो गया, ये भी पेस्ट हो गया, ये मैटर्स में क्लिक करना था यहाँ पर, तो वो डिस्क्रिप्शन में हो गया है। तो चलिए, वो कुछ गलती हो जाती है ऐसे, इसको सारा डिलीट कर देते हैं, वो सॉरी, अरे यार एक सेकेंड, देखिए मैटर्स है इस पर रखा और इसको इस तरीके से किया और ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो अब आपका आता है डिस्क्रिप्शन, तो फिर आपको यहाँ पर जाना है, डिस्क्रिप्शन पूरा कॉपी कर लेना है। डिस्क्रिप्शन आपको कैसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर थर्ड वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप थर्ड वाले पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को कॉपी कर लिया मैंने, ये बैक जाना है और ये आपको डिस्क्रिप्शन पे आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये डिस्क्रिप्शन आया, ये पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है, है ना, पूरा फॉर्म फिल हो चुका है यहाँ पर आपका, है ना, पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर आपको जो सबमिट कर देना है, ये अरे ये क्या क्लिक कर दिया मैंने, अब यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा हो, सबमिट पर क्लिक करना है आपको, ये सबमिट पर क्लिक किया, और भी कुछ
यहाँ पर अच्छा अदर बायो बायो और लिखना है, यहाँ पर बायो का भी पेस्ट करना है, बायो रह गया। अभी फिर से आना है आपको वहाँ पर, बायो का भी आपको दिखेगा यहाँ पर आए फोर्थ वाले पेज पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो अदर बायोस दिख गए हैं इनका, तो ये देखिए इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है पूरा, इसको भी आकर वहीं पर पेस्ट कर देना है। ये गए ये अदर बायोस, ये नीचे बायो आपका ये है, एक सेकंड ये आ गया, ये आ रहा अदर बायो, ये आ गया है ना। तो आपको यहाँ पर ये अदर बायोस में पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया सबमिट पर इस तरीके से। अब आप यहां से देख सकते हैं जो आपकी कॉपी पेस्ट में भी यहां पर जो है $0.5 की अर्निंग यहां पर हो चुकी है ना। तो इसी तरीके से आपको कॉपी पेस्ट और फॉर्म फिलिंग करके यहां पर जो अर्निंग होगी भाइयों, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वर्क करने में A to Z कोई भी, तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आके मुझसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना भाइयों। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से आप मुझसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं। उसके बाद भी आपको और भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी वेबसाइट को ही जो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे से आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी हेल्प वगैरह, सी सब वेबसाइटों के थ्रू रहती है तो इनकी भी मिल जाएगी। इसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह अर्निंग्स हो यहाँ पर इन्होंने कर दी है ना। तो आपको तो देखिए दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है पेमेंट लेने के लिए, तो नीड डेली पेमेंट। आपको डेली पेमेंट लेने के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट डेज अभी आप जो वर्क करेंगे तो वो फर्स्ट डेज से लेकर 10 डेज तक का वर्क आपका जो एक साथ चेक किया जाता है। अब यहाँ पर वर्क किस तरीके से करते हैं तो पूरा वर्क 10 दिन में आपका चेक कर लिया जाएगा। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो वो आप ट्रेनिंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो पैसा आपका सेफ रहता है। उसके बाद जो आप 10 दिन के बाद, जैसा ही आप 10 दिन कंप्लीट होते हैं तो इंस्टेंट आपका विड्रॉ आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको ये डेली यहाँ से ये पेमेंट दे देते हैं, क्योंकि 10 दिन तक वो चेक करेंगे, वेरीफाई करते रहेंगे कि आप कैसा वर्क कर रहे हैं, आपकी पेमेंट रोक के रखेंगे यार, जिससे कि आप कोई गलत वर्क ना करें, है ना। उसके बाद जो आपकी डेली यहाँ से पेमेंट मिल जाएगी भाई। तो बस मैंने आपको इतना बता दिया, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे आपको वो इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर जरूर ही जाना भाई, क्योंकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा।